हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल ग्रामर विद्या में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमारे कल के वीडियो में हमने बात करी थी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, उसके टाइप्स कितने हैं। इसके साथ ही हमने नाउन का ब्रीफली डिस्क्रिप्शन भी किया था कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करें। आज के इस वीडियो में हम नाउन को डिटेल में समझेंगे और एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, जिससे हम नाउन को कभी भी बोलेंगे नहीं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, कंडीशन एटसेट्रा, यानी कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, स्थिति का नाम ही नाउन कहलाता है। यानी इस ब्रह्मांड में हमारे आसपास में जो भी चीजें हैं और जिनके जो भी नाम हैं, वो सब क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। हमारे आसपास जैसे कि चेयर, मोबाइल, पिलो, बेड, सोफा, अलमीरा, जो भी चीजें हैं, कुछ भी चीज ले सकते हो आप, जो भी चीजें हैं वो सब क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि किसी चीज का नाम ही नाउन कहलाता है। अब नाउन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि नाउन के टाइप्स कितने होते हैं। हमको नाउन के टाइप्स रटने बिल्कुल भी नहीं है, बस समझने हैं। एक बार अगर हमने वो नाउन के टाइप्स समझ लिए तो हम उनको कभी भी भूलेंगे नहीं। नाउन को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन को हिंदी में हम कहते हैं व्यक्ति वाचक संज्ञा। जब बहुत सारी एक जैसी चीजों में से किसी एक चीज को उठाकर उसको कोई नाम दे दिया जाए तो वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग का नाम क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। और प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल में आता है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि सीमा, रीमा, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये व्यक्ति का नाम है, गर्ल का नाम है। इसके साथ ही अहमदाबाद, अहमदाबाद एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम हो गया, जगह का नाम हो गया, इसलिए वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। ऐसे ही अकबर, अकबर राजा का नाम है, तो अकबर क्या हो गया? एक पर्टिकुलर नेम हो गया, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। ऐसे ही आता है इंडिया, इंडिया एक कंट्री का नाम है, पर्टिकुलर कंट्री हो गई इंडिया, तो इसलिए वो प्रॉपर नाउन में आता है। ये तो हुआ प्रॉपर नाउन। अब हम बात करेंगे कॉमन नाउन की। एक ही तरह की बहुत सारी चीजों को जब एक ही नाम दे दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। एक जैसी दिखने वाली, मतलब जैसे कि लड़कियां तो बहुत होती हैं, जैसे रीमा, सीमा, बबीता, गीता, लेकिन हमने उनको एक साथ सबको क्या कह दिया? गर्ल, लड़की, तो वो क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। ऐसे ही सिटी तो होते हैं बहुत सारे, दिल्ली, अहमदाबाद, गुजरात, बहुत सारे सिटी हैं, लेकिन हमने उन सबको क्या नाम दे दिया? एक ही सिटी, तो वो कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन जो होता है वो एक क्लास को, एक श्रेणी को रिप्रेजेंट करता है। अब हम एग्जांपल्स से कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच डिफरेंस को समझेंगे। पहला सेंटेंस है अकबर वॉज ए ग्रेट किंग। दूसरा सेंटेंस है सीता इज ए गर्ल। तीसरा सेंटेंस है हरी इज अ बॉय। चौथा सेंटेंस है दिल्ली इज अ सिटी। और पांचवा सेंटेंस है इंडिया इज अ कंट्री। अब फर्स्ट सेंटेंस में हम बताएंगे कि कौन सा कॉमन नाउन है और कौन सा प्रॉपर नाउन है। जैसे कि हम सेंटेंस देख पा रहे हैं अकबर वाज ए ग्रेट किंग। अकबर क्या हो गया? एक पर्टिकुलर नेम हो गया, किसका? किंग का। और किंग क्या हो गया? किंग हो गया बहुत सारे राजा, यानी बहुत सारे राजा जिनके अलग अलग नाम है, उन सबको एक नाम क्या दे दिया गया? किंग। तो किंग क्या हो गया? इसमें कॉमन नाउन हो गया। और अकबर एक पर्टिकुलर राजा का नाम है, इसलिए अकबर क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसे ही हम सेकंड सेंटेंस में देखते हैं सीता इज अ गर्ल। तो सीता तो एक पर्टिकुलर गर्ल का नाम है, इसलिए सीता क्या हो गया यहाँ पे? प्रॉपर नाउन हो गया। और गर्ल हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो सीता हो, गीता हो, बबीता हो, तो वो सारी लड़कियों के लिए हमने किसका यूज किया? गर्ल का यूज किया, एक क्लास के लिए गर्ल का यूज किया, तो इस वजह से गर्ल क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। क्लियर है?
आइए आगे चलते हैं। हरी इज अ बॉय, इसमें हरी क्या हो गया, एक पर्टिकुलर नेम हो गया इसका, लड़के का, तो इसलिए हरी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। इसके साथ ही बॉय, बॉय एक लड़कों के पूरे समूह के बारे में बता रहा है, ये सारे लड़कों को हमने क्या नाम दे दिया, बॉय, तो बॉय एक कॉमन नाउन हो गया। अभी आपको समझ में आ गया होगा, जब हम एक जैसे बड़े समूह को एक नाम दे देते हैं वो तो होता है कॉमन नाउन, जैसे कि बॉय, गर्ल, किंग, और इसके साथ ही हम बहुत सारे लोगों में से या बहुत सारे समूह में से किसी एक चीज़ को उठाकर और उसको पर्टिकुलरली कोई नाम दे देते हैं तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। ऐसी फोर्थ सेंटेंस में भी देख सकते हो आप, दिल्ली इज अ सिटी, तो दिल्ली तो एक सिटी का पर्टिकुलर नाम हो गया तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। इसके साथ ही सिटी, हमने सारे शहरों को क्या बोल दिया, सिटी, तो वो हो गया कॉमन नाउन। फिफ्थ सेंटेंस में भी सेम है, हम पहले भी बता चुके हैं, इंडिया एक कंट्री का नाम हो गया, पर्टिकुलर कंट्री का नाम हो गया, इसलिए वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। इसके साथ ही जो कंट्री है वो हम सबको बोल सकते हैं, हम अमेरिका को भी कंट्री बोल सकते हैं, यूएस को भी कंट्री बोल सकते हैं, जर्मनी को भी कंट्री बोल सकते हैं, तो इन सब के लिए हमने क्या नाम दे दिया, कंट्री, तो इसलिए कंट्री कॉमन नाउन हो गया। तो गाइस, प्रॉपर और कॉमन नाउन में जो डिफरेंस था वो आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो लोगों के या चीजों के एक ग्रुप को, एक समूह को डिफाइन करता है। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूह वाचक संज्ञा, यानी बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी चीजों का जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, उसको हम किस में रखते हैं, कलेक्टिव नाउन में। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि फैमिली। अब फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो जब फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होंगे तो फैमिली क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया, समूह हो गया, तो इसलिए हम फैमिली को किस में रखेंगे, कलेक्टिव नाउन में। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि ए बंच ऑफ कीज। कीज मतलब चाबियों का, बंच मींस गुच्छा, यानी ये चाबियों का एक ग्रुप हो गया, एक समूह हो गया, इसलिए ये किस में आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। ऐसे ही होता है एक फ्लीट, फ्लीट मतलब होता है जहाजों का पेड़ा, तो वो भी जहाजों का क्या हो गया, ग्रुप हो गया, समूह हो गया, तो इसलिए उसको भी हम कलेक्टिव नाउन में रखेंगे। ऐसे ही हर्ड होता है, मॉब होता है, ज्यूरी होता है, टीम होता है, ये सब भी हम कलेक्टिव नाउन में ही रखते हैं। यानी कि आपको समझ आ ही गया होगा कि किसी भी वस्तु के या किसी भी व्यक्ति के जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आइए एग्जाम्पल्स से समझते हैं, द मॉब मूव्स टुवार्ड्स द पार्लियामेंट, अर्थात जो भीड़ है वो संसद की तरफ जा रही है, मूव कर रही है, तो यहाँ पे मॉब जो है वो ग्रुप को दर्शा रहा है, लोगों के ग्रुप को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है, मॉब के अंदर क्या है, कलेक्टिव नाउन। द ज्यूरी हैज डिसाइडेड द विनर, यहाँ पे जो ज्यूरी है उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो ज्यूरी ने मेंबर विनर डिसाइडेड किया, यानी निश्चय किया या अनाउंस किया, तो ज्यूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अब आगे चलते हैं, फोर्थ है हमारा मटेरियल नाउन, यानी पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, मटेरियल, मटेरियल मीन्स पदार्थ, यानी कि किसी मटेरियल या सब्सटेंस जिससे कोई नई चीज बनाई जाए, नया पदार्थ बनाया जाए, तो वो क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन। तो गाइस समझ में आ गया होगा कि जब किसी चीज से या किसी पदार्थ से या किसी सब्सटेंस से कोई नई चीज बनाई जाती है तो वो मटेरियल नाउन कहलाता है। आइए एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि गोल्ड। गोल्ड क्या है, सोना, धातु है, मटेरियल है, तो इससे हम क्या बनाते हैं, नेकलेस बनाते हैं, इयररिंग्स बनाते हैं, तो ये गोल्ड क्या हो गया, मटेरियल नाउन। ऐसे मिल्क है, मिल्क से बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो मिल्क भी क्या हो गया, मटेरियल नाउन। ऐसे ही सिल्वर है, कॉपर है, वुड है, ऑयल है, ये सब भी मटेरियल नाउन के ही एग्जांपल्स हैं। आइए और एग्जांपल्स से समझते हैं, जैसे कि कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर्स। कॉपर, कॉपर मीन्स तांबा, तांबे को हम इलेक्ट्रिक वायर बनाने में यूज करते हैं, इसलिए कॉपर यहाँ पे क्या हो गया, मटेरियल नाउन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, माय नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड से क्या बना है, नेकलेस बना है, तो गोल्ड क्या हो गया, मटेरियल हो गया, जिससे कोई दूसरी चीज बनी है, क्या बना, नेकलेस बना है, तो इसलिए गोल्ड मटेरियल नाउन हो गया। तो आपको मटेरियल नाउन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिनको हम छू ना सकें, देख ना सकें, यानी भाववाचक संज्ञा जिसको हिंदी में हम कहते हैं, अर्थात ऐसी क्रिया या ऐसी अवस्था जिसको ना तो देखा जा सके ना छुआ जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि काइंडनेस, चाइल्डहुड, स्लेवरी, ट्रुथ, डेंजर, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनको हम ना तो देख सकते हैं ना हम उनको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जो भी इस दुनिया में भाव हैं, जो भी इस दुनिया में गुण हैं, जो भी अवस्थाएं हैं, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगा। जैसे कि लव, अब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसको देख तो नहीं सकते ना ही हम उसको टच कर सकते हैं, तो लव क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ऐसी काइंडनेस है, दयालुता, तो हम इसको ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो गाइज यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको कि नाउन के 5 टाइप्स हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमने सबको अच्छे से समझ लिया है, सबको एग्जांपल्स के साथ अच्छे से हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे आगे नाउन के स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के बारे में। मॉडर्न ग्रामर में नाउन को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पहला होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, काउंटेबल यानी जिसको हम गिन सकें, जिसकी हम गिनती कर सकें, जिसको काउंट कर सकें उंगलियों पे, तो वो किस में आ जाएगा, काउंटेबल नाउन में। और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन्स, जिसको हम गिन नहीं सकें, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकें, वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं काउंटेबल नाउन यानी जिसको हम गिन सकें। जैसे कि स्टूल है, स्टूल को हम गिन सकते हैं कि कितने होते हैं, 1 है कि 2 है कि 3 है, आराम से गिना जा सकता है स्टूल। वैसे ही स्टूडेंट्स हैं, क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं कि 30 हैं, 40 हैं, 20 हैं, हम आराम से काउंट कर सकते हैं इनको, तो ये सब किस में आएगा, काउंटेबल नाउन्स में। एप्पल्स हैं, रूम्स हैं, ड्रॉअर्स हैं, हम सबको काउंट कर सकते हैं, तो ये सब हमारा आ जाएगा काउंटेबल नाउन्स में। अब आता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे कि मिल्क है, अब दूध है, हम उसको, दूध की जो बॉटल होती है उसको हम बॉटल को तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन बॉटल के अंदर जो दूध है, मिल्क है, उसको क्या हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो इसलिए मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। वैसे ही साल्ट है, राइस है, राइस जो है उसको हम तोल तो सकते हैं लेकिन हम उसको गिन नहीं सकते। वैसे सिल्वर है, गोल्ड है, इनको हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको किस में रखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन में। तो गाइज आप नाउन को काफ़ी हद तक समझ गए होंगे, नाउन को आइडेंटिफाई करना जान गए होंगे, कौन सा प्रॉपर है, कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा कलेक्टिव नाउन है, कौन सा मटेरियल है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये सब आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। आज के वीडियो में इतना ही गाइज, नमस्ते, धन्यवाद।